दोस्तों श्रीलंका ने 29 जुलाई को कोलंबो में खेले गए तीसरे और अंतिम टी20 मैच में 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। इसी के साथ मेजबान टीम ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इस मुकाबले में भारत ने चोटिल नवदीप सैनी की जगह संदीप वॉरियर को टीम में शामिल किया था, जिसके साथ ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू का मौका भी मिला। वैसे दोस्तों देश के लिए खेलना किसी भी खिलाड़ी का बड़ा सपना होता है, ऐसा ही कुछ संदीप वॉरियर के साथ भी देखा गया। जब संदीप को कैप सौंपी गई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। खिलाड़ियों को गले लगाते हुए वह अपने आंसू पोंछते नजर आए। हालांकि सभी साथी खिलाड़ी उनका मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई दिए और सभी ने उन्हें बारी बारी से गले लगाया। अब सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वैसे दोस्तों संदीप ने यह सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिल पाएगी, क्योंकि वह श्रीलंका एक नेट गेंदबाज के तौर पर आए थे। बहरहाल पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर महज 81 रन ही बना सकी। टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव ने 28 गेंदों पर सर्वाधिक 23 रन बनाए, जिसके जवाब में मेजबान श्रीलंका ने जीत के लिए जरूरी रन 14.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिए। दोस्तों इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।